तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज हम क्लास 9 का 12.1 लेकर आए हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड आगे स्कूल है, यानी एक कोई यातायात में रास्ता है और उसमें आगे एक स्कूल का बोर्ड लगा है और ये भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी इसका जो भुजा है ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी अगर ये है तो ये भी तीनों क्या होंगे, एक ही समान होंगे। यानी ये भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज आकार का है। तो हिरोन का सूत्र प्रयोग करके कह रहा है कि इसका त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, क्षेत्रफल मतलब इसका जगह बताइए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पता ही है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो चलिए अब पूछ रहा है इसका दे दिया क्या, और इस बोर्ड का दे दिया आपका परिमाप। परिमाप मतलब होता है उसका किनारा, किनारा यानी परिमाप आपका दे दिया 180 है। कहते हैं इस त्रिभुज का या इस बोर्ड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। तो हम हिरोन का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। हिरोन का जो फॉर्मूला होता है यस बराबर होता है यस माइनस ए, और लिख देते हैं यस का मान, और यस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यस आपका होता है अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी अपान क्या होता है 2a, इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यस बराबर यानी ए का मान कितना दिया, ये भी आपका a है और b की जगह क्या दिया a, और प्लस सी की जगह भी आपका दिया है a अपान 2, यानी होगा आपका 3a अपान 2। यानी हमें यस का मान यहाँ पता चल गया कितना 3a अपान 2। तो यहाँ देखो इस पर रखते हैं तो यस का मान दिया 3a अपान 2, और यस का मान दे दिया 3a अपान 2 माइनस ए का मान आपका ए ही दिया है और बी का मान भी उतना ही दिया है, यानी बी की जगह है ए अपान सी की जगह है, हमने पार्ट वन वीडियो में बताया था। और याद को यस बराबर 3a अपान 2 माइनस ए और 3a अपान 2 माइनस ए, यानी ए और बी यानी सी, यानी ए है बी है क्या सी, यानी तीनों का मान ए ही दिया है। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं अंडर रूट और इसे हल करोगे तो होगा 3a अपान 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसका त्रिज्या का गुणा करोगे तो होगा 3a माइनस 2a अपान 2, और ये भी आपका वही होगा। हाँ, 3 को अलग कर लेते हैं, 3 गुणे a अपान 2 लिख सकते हैं, इसे अलग करते हैं अभी, गुणा करेंगे तो वही होगा, गुणे ये घटाओगे कितना बचेगा a अपान 2, और ये आपका बचेगा a अपान 2, और ये भी बचेगा a अपान 2। तो हम जानते हैं अगर अंडर रूट में हो तो उसका दो दो का अगर जोड़ा बनता तो एक क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ए अपान 2 एक निकल जाएगा गुड़े ए अपान 2, और ये आपका हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो यानी इसे हम आगे लिखे तो लिख सकते हैं ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर अपान नीचे होगा 4 अंडर रूट 3 होगा। ये कह सकते हो इसका मात्रक क्या होगा, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है स्क्वायर होता है। तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है, और इसे हम संभाव त्रिभुज का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो एक बार हम इसी फॉर्मूले पर रख सकते हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था, ध्यान रखो और मिटा देते हैं। इसका क्या निकालना, ए के भुजा कितने सेमी का है। तो यहाँ देखो हमने इसका कुल परिमाप दे दिया, यानी कुल परिमाप निकालने का इस तीनों भुजाओं को जोड़ लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया कितना 180 सेमी दे दिया ना, यानी कुल परिमाप दे दिया कितना 180, यानी ए है ए बी है ये क्या है सी है। तो यानी ए का भी मान ए है प्लस बी ए बी आपका कितना दिया है ए अपान एक बराबर 180, तो होगा आपका 3a 180, और जब 3 को इसके नीचे भेजेंगे तो होगा 180 अपान कितना होगा 3, यानी काट लो ए बराबर आपका कितना होगा 3 6 18 यानी 60 सेमी। यानी ए का हमें मान पता चल गया कितना है, यानी कुल भुजा यानी प्रत्येक भुजा कितने कितने सेमी का है, 60 सेमी का। यानी तो इस फॉर्मूले पर रख देते हैं और यहाँ आगे रखते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो ए का मान हमें पता चल गया 60, यानी 60 का स्क्वायर करोगे अपान नीचे होगा आपका कितना 4 गुणे अंडर रूट कितना होगा 3 हो गया। यानी ए का, यानी ए का मान हमें पता चल गया, यानी ए का मान आपका कितना दिया है 60, तो ए की जगह रख ले और ए की जगह रखोगे तो होगा आपका ये होगा 3600, यानी 3600 होगा आपका, और नीचे आपका होगा कितना 4 अंडर रूट 3, यानी काट लो कितने में कटेगा, और कटेगा तो आपका आंसर आएगा 36, यानी 900 अंडर रूट कितना होगा 3, आपका मात्रक क्या है सेमी, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेमी स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।